हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना चैनल। सो यस्टरडे ओनली आई मेड शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 एंड नाउ टुडे फुल नोटिफिकेशन इज आउट। ओके, टू यू नो ऑलरेडी दैट 5,696 टोटल वैकेंसीज वी हैव फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, दैट इज एएलपी पोस्ट। ऑल ओवर इंडिया आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। सैलरी अप्रोक्सीमेटली इन हैंड यू कैन गेट 4.3 लाख सीटीसी। ओके, इफ यू कंप्लीट डिप्लोमा आईटीआई बीबीटेक देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। नाउ क्विकली वी विल सी डिटेल इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So as always, we see important points. So first important point, there is no percentage criteria. You should have your diploma, ITI and BBTech in your hand. That's it. Then second point, that posting you will get as per RRB. So whatever RRB you will choose, okay, that is regional zone of RRB, Railway Recruitment Board, you will choose. As per that only, aapka selection hoga aur udhar hi aapko posting diya jayega. Next thing is that your exam center. So all over India, we have enough exam centers. No need to worry for that, okay. Then the process, so here you can see CBT 1 is there, CBT 2, CBAT, DV and medical will be there. And after that, you will get selection and the final training. So approximately 5 to 6 months of training is there for ALP. Other important points, that BBTech after diploma only are eligible. So jinhone bhi 12th ke baad BBTech kiya hai, wo eligible nahi hai. Theek hai? Diploma ke baad jinhone kiya hai, they are only eligible for this recruitment. And now the main thing is that, as you know, this recruitment is all over India, but अक्रॉस इंडिया वेयर वी हैव डिफरेंट जोन्स ऑफ रेलवेज, तो उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ वन आरआरबी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक ही आरआरबी को अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ यू कैन सी, सो अक्रॉस इंडिया विच आरआरबीज यू हैव फॉर अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, और जो टोटल वैकेंसीज है यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अहमदाबाद वी हैव टोटल वैकेंसीज 238, एक्स अरेंजमेंट 24, ओके, एंड कैटेगरी वाइज यू कैन सी हियर डिस्ट्रीब्यूशन। देन बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, वी हैव वैकेंसीज गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सो टोटल लाइक दिस वी हैव टोटल 5,696। सो आउट ऑफ दिस यू कैन अप्लाई फॉर एनी वन आरआरबी, ओके, यू कैन अप्लाई फॉर टू और थ्री आरआरबी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकल टेस्ट फॉर रेलवेज। ओके, सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी द मेडिकल स्टैंडर्ड इज A1 एंड हियर lots of details are given, like distance vision should be 6x6, 6x6 without glasses, okay, with fogging test. So this you should ensure ki aapka matlab check hai, theek hai. If isme se agar kuch bhi nahi hai, okay, if you are color blind or if you are means other having other problem related to vision specifically, then you are not eligible for this recruitment. You will get out in medical. To medical mein bahar ho jaoge, isse better hai don't apply for this recruitment. Okay, next thing is qualification. To kon kon eligible hai ALP post ke liye, to sabse pehle agar aapka ITI hua hai, okay, electrician, instrumentation, mechanic, then mechanic, radio and TV fitter, to aap eligible ho. Theek hai, diploma candidate jo hai, if you complete your diploma in electrical, mechanical, electronics, automobile engineering, then you are eligible. इसके साथ साथ अगर आपने बी बी टेक किया है इन्हीं ब्रांच में, लाइक बी बी टेक इन इलेक्ट्रिकल, बी बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बी बी टेक इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, तो आप एलिजिबल हो। अदर ब्रांचेस भी एलिजिबल है, लाइक ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप एलिजिबल हो, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इसी आप भी एलिजिबल हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आप भी एलिजिबल हो। जस्ट द कंडीशन शुड बी 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 टेक शुड बी आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा के बाद ही चाहिए बी बी टेक, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं। ओके, एज लिमिट कट ऑफ डेट इज 1st July 2024, एज लिमिट इज 30 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 33, एससी 35, फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 20th ऑफ जनवरी, दैट इज टुमारो, सो यू विल गेट टुमारो फॉर्म फिलिंग वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली, ओके, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट विल एंड ऑन 19th of February 2024 एंड अबाउट यूर CBT 1, सो आई विल नोटिफाई यू, नो नीड टू वरी फॉर दैट। फीस विल बी 500 rupees फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, देन ओबीसी वी हैव 500 rupees, एसएससी फीमेल वी हैव 250 rupees, ओके, दिस वैकेंसी इज नॉट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एंड आउट ऑफ दिस 400 rupees यू गेट रिफंड एंड फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एंड 250 rupees यू विल गेट रिफंड व्हेन यू विल अपीयर फॉर CBT 1, ठीक है, CBT 1 अगर आपने अटेंड कर लिया तो रिफंड आपको आ जाएगा। So this is all about your RRB ALP recruitment 2024. Now the next video will be your preparation strategy, syllabus and everything we will discuss in that, okay, in detail. और कैसे preparation करना है, कैसे CBT 1 आप qualify करोगे, lots of details I will give in that video, okay. Tomorrow I will upload form filling, so just wait for that and after watching that video you can fill the form. Don't forget to join Telegram and WhatsApp group, which is most important, and I will meet you in the next video. All the best.